एक गांव में रामलाल नाम का एक बूढ़ा आदमी अपने चार बेटों और चार बहुओं के साथ एक बहुत बड़े घर में रहता था। रामलाल के तीनों बड़े बेटे और बहुएं रामलाल की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते थे। बस उसका छोटा बेटा मनोहर और बहू रज्जो ही सेवा और इज्जत करते थे। एक दिन रामलाल की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, कभी भी मर सकता हूँ, इसलिए जाने से पहले मैं खेतों और इस घर में सबका हिस्सा कर देना चाहता हूँ। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। रामलाल खेतों में सबको बराबर का हिस्सा दे जाते हैं, पर क्योंकि मनोहर की बीवी ने उसकी इतनी सेवा की तो वो पूरा घर रज्जो के नाम कर देता है। सब लोग इस बात से बहुत ही गुस्सा होते हैं। ये आपने अच्छा नहीं किया बाबूजी। रज्जो क्या कहीं की महारानी है जो आपने पूरा घर उसके नाम कर दिया? हम क्या सड़क पर रहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। अरे इनको तो बस मनोहर और रज्जो ही देखते हैं, हम तो जैसे कहीं कूड़े में से आए हैं। है? तुम लोग लड़ो मत, मैंने तुम तीनों के नाम भी एक एक मकान कर दिया है। वो छोटे छोटे से झोपड़ी जैसे घर हमको नहीं चाहिए। सब रामलाल से लड़ते रहते हैं और रामलाल अपने बेटों की सुनते सुनते ही दम तोड़ देता है। रामलाल के मरते ही तीनों भाई मिलकर मनोहर, उसकी बीवी रज्जो और उनके 2 साल के बेटे पिंकू को घर से निकाल देते हैं। ऐसे मत करो भैया, हम कहाँ रहेंगे? बताओ, आप हमें थोड़ी सी जगह दे दो, हम उसी में रह लेंगे। चल चल निकल यहाँ से और दोबारा कभी अपनी शक्ल भी मत दिखाइयो, समझा? मनोहर और रज्जो रोते रोते वहाँ से चले जाते हैं। उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं होता, इसलिए वो रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना लेते हैं। अजी अब हम क्या करेंगे? चिंता मत करो रज्जो, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे। अगली सुबह मनोहर अपने हिस्से के खेतों में काम करने जाता है तो उसके तीनों भाई उसे इतना मारते हैं कि उसके हाथ पैर की हड्डी ही टूट जाती है और वो अपाहिज हो जाता है। मनोहर लड़खड़ाता हुआ घर पहुंचता है। हे भगवान, ये क्या हुआ आपको? आपको इतनी चोट कैसे लग गई? जब मैं खेतों में काम करने गया तो तीनों भाइयों ने मिलकर मुझे खूब मारा और मुझे वहाँ से भगा दिया। हे भगवान, कोई अपने सगे भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैं अभी इनसे जाकर बात करती हूँ, ये हमारे हक की जमीन हमसे नहीं छीन सकते। अरे जाने दो रज्जो, जाने दो। रज्जो मनोहर की एक नहीं सुनती और गुस्से में सबसे बात करने उनके घर पहुंच जाती है। भैया आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आपने इनको इतना मारा कि जिंदगी भर के लिए वो अपाहिज हो गए हैं। अगर आपने अब कभी इनको हाथ लगाया तो मैं थाने में जाकर शिकायत कर दूंगी। ओहो, तो तेरी जुबान भी चलने लगी, तुझे तो हम देख लेंगे बड़ी आई थाने जाने वाली। रज्जो वापस घर आ जाती है। मनोहर, रज्जो और उनका छोटा सा बेटा पिंकू उस छोटे से झोपड़े में बड़ी मुश्किल से रह पा रहे होते हैं। उनके पास ना तो खेती करने के लिए जमीन होती है और ना रहने के लिए। बेचारे भूखे प्यासे दिन गुजार रहे होते हैं। आपके भाइयों ने आपको मारा था, पर वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, इसलिए कल से खेतों में काम करने आपकी जगह मैं जाऊंगी। नहीं रज्जो, वो लोग इस वक्त पैसों के लालच में पागल हुए पड़े हैं, तुम वहाँ मत जाना। अजी हम तो भूखे रह लेंगे, पर मैं पिंकू को ऐसे भूखे नहीं रख सकती, मुझे कल खेतों में जाना ही पड़ेगा। अगली सुबह रज्जो खेतों में काम करने जाती है। ये देखो भैया, रज्जो खेतों में काम कर रही है। मनोहर के हाथ पैर तो हमने तोड़ दिए, पर अगर इसके साथ ऐसा किया तो ये थाने चली जाएगी। इसका तो कुछ और ही करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसको अभी काम करने देते हैं, 2-4 दिन बाद मौका देखते ही हम इसे मार कर यहीं गाड़ देंगे। बस फिर कुछ दिन बाद तीनों भाई मौका देखकर रज्जो को मार कर उसी के खेत में दफना देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही रज्जो एक चुड़ैल के रूप में जमीन से बाहर आ जाती है। नहीं छोड़ूंगी किसी को, एक एक से बदला लूंगी, सबको मार डालूंगी। मनोहर रज्जो का इंतजार करता रहता है। पूरी रात निकल जाती है पर रज्जो घर वापस नहीं आती। कहाँ गई रज्जो? वो इतनी देर तो कभी नहीं लगाती थी, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। अपाहिज मनोहर पिंकू को गोद में लिए रज्जो को ढूंढने चल देता है और पूरे गांव में ढूंढने लगता है, पर रज्जो का कहीं पता नहीं चलता। मनोहर पिंकू को लेकर घर वापस चला जाता है
और बस रज्जो के आने का इंतजार करता रहता है। रज्जो का भूत भी मनोहर के पीछे पीछे चल देता है। मुझे पिंकू के लिए कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ेगा। मनोहर फिर पिंकू को लेकर काम ढूंढने निकल पड़ता है। एक आदमी मनोहर की हालत पर तरस खाकर उसे काम पर रख लेता है। रज्जू वहीं खड़ी होती है और उसे अपने पति को ऐसे काम करते देख बहुत दुख होता है। देखो यहाँ तुम्हें गेहूँ की सफाई करनी होगी और कितने बोरे रोज बाहर जा रहे हैं उनका हिसाब रखना होगा। मन लगा कर काम करना और अपने बच्चे को यहीं साथ में जो कमरा बना हुआ है उसमें सुला दिया करना ताकि तुम काम भी कर लो और वो तुम्हारे आसपास भी रहे। मैं आपको ऐसी हालत में काम नहीं करने दूंगी। मैं खुद जाकर खेती करूंगी और आपको आपका हक दिलाकर रखूंगी। मनोहर पिंकू को सुलाकर काम करने चला जाता है। उसके बाद रज्जो भी खेती करने चल देती है और बीच बीच में आकर अपने बच्चे का भी पूरा ध्यान रखती है। रज्जो पूरे दिन मेहनत करके वो पूरी जमीन में हल जोत देती है। रज्जो फिर मनोहर के तीनों भाइयों की जमीन पर देखने जाती है कि वहाँ क्या हो रहा है। अच्छा तो यहाँ पूरी मेहनत से जमीन को जोता जा रहा है पर मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी। अगले दिन फिर रज्जो अपनी जमीन में बीज बो देती है और बाकी सबको देखने जाती है। तीनों भाई अपनी अपनी जमीन में बीज बोकर उसमें अच्छे से पानी डाल देते हैं। रज्जो वहाँ खड़ी सब देख रही होती है। कर लो जो करना है कर लो पर मेरे होते हुए तुम्हारे खेत में एक भी अनाज का दाना नहीं बचेगा। सब अपने अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद तीनों भाई रोज अपने अपने खेतों में पानी देते हैं। उनके जाते ही रज्जो सारा पानी अपने खेतों की तरफ मोड़ देती है और बस रज्जो के खेतों को ही पानी मिल पाता है। कुछ दिन बाद रज्जो की जमीन पर अनाज उगने लगता है पर बाकी सबकी जमीन जैसी की तैसी होती है। इतने दिन हो गए पर जमीन से एक अंकुर नहीं फूटा। चलो चलकर अपने दोनों भाइयों के खेतों में जाकर देखता हूँ। सबसे बड़ा भाई फिर अपने दोनों छोटे भाइयों के खेतों में जाकर देखता है पर बाकी दोनों भी इस बात से परेशान होते हैं कि उनके खेत में भी कोई अनाज नहीं उग रहा। बहुत दिन निकल जाते हैं और फिर जाकर तीनों भाइयों के खेतों में फसल उगना शुरू होती है। दूसरी तरफ रज्जो के खेत भी खुशी से लहरा रहे होते हैं। एक दिन तीनों भाई रज्जो और मनोहर की जमीन के पास से गुजर रहे होते हैं तो उनकी नजर लहराते खेतों पर पड़ती है। ये क्या, इस खेत में फसल कैसे उग सकती है? अरे यहाँ कब और कौन खेती करने आता था? हमने तो कभी किसी को देखा ही नहीं। मनोहर तो किसी दुकान में काम करता है और वैसे भी वो अपाहिज खेती करने लायक नहीं है। अरे भैया मुझे लगता है ये सब भगवान की कृपा है। हमें क्या, हमें तो बिना मेहनत के इतना सारा अनाज मुफ्त में मिल जाएगा और क्या चाहिए। सही बात है। तीनों भाई बड़े खुश हो जाते हैं कि मनोहर और रज्जो के खेतों का अनाज भी उनको मिल जाएगा। कुछ महीनों बाद फसल पक जाती है पर फिर एक रात रज्जो तीनों के खेतों में एक एक करके जाती है और वहाँ आग लगा देती है। तीनों भाई सर पकड़कर रोने लगते हैं। हाय हाय हाय, ये हमारे साथ क्या हो गया? सारी मेहनत बर्बाद हो गई रे। फिर तीनों मनोहर के खेतों में जाकर देखते हैं कि उसके खेतों में पकी हुई फसल लहरा रही है। समझ नहीं आ रहा भाइयों कि मनोहर के खेतों को कुछ क्यों नहीं हुआ। चलो इस फसल को बेचकर ही पैसे कमा लेते हैं, हैं? तभी रज्जो वहाँ आ खड़ी होती है। चुड़ैल चुड़ैल, अरे चुड़ैल, अरे अरे, मैं रज्जो हूँ रज्जो, जिसे तुमने इस जमीन में गाड़ दिया था। मैंने ही तुम्हारी फसल में आग लगाई है और मैं कभी तुम्हारे खेतों में अनाज नहीं उगने दूंगी। जैसे मेरे पति और मेरा बच्चा जिंदगी जी रहे हैं तुम भी वैसे ही जियोगे। और हाँ, ये हमारे खेत हैं। इस फसल को मैंने मेहनत से उगाया है तो इसे बेचने के बारे में तो दूर की बात है, कभी हाथ लगाने के बारे में भी सोचा तो सबको यहीं जिंदा गाड़ दूंगी। अरे अरे, हमें छोड़ दो रज्जो, हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे खेतों को कभी हाथ नहीं लगाएंगे। तुम जो बोलोगे हम वो करेंगे। तो हमारे हक की जमीन और घर हमें वापस चाहिए। हम सब दे देंगे, हम आज ही मनोहर के पास जाकर उसे सब दे देंगे, सब दे देंगे। उसके बाद वो सब एक पंडित को लेकर उस जगह जाते हैं जहाँ रज्जो को जमीन में गाड़ा था। पंडित जी उस जगह पूजा करते हैं
जिससे रज्जो की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो गायब हो जाती है।